अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब असलम और आप देख रहे हैं कोरल एकेडमी यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, तकरीबन 2 माह पहले पंजाब पुलिस में जॉब अनाउंस की गई थी और पुलिस की जॉब में अप्लाई करने के फॉर्म की तारीख 12 अक्टूबर 2020 बताई गई थी, लेकिन 12 अक्टूबर को ये फॉर्म किसी भी पुलिस लाइन से नहीं मिल रहे थे। इसकी असल वजह क्या है, आए जानते हैं। फेसबुक और सोशल मीडिया पर 12 अक्टूबर को काफ़ी प्रोपोगेंडा किया गया कि पुलिस जॉब कैंसिल हो गई हैं। ये न्यूज़ फेक थी, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि किला गुज्जर सिंह लाहौर फैसलाबाद में फॉर्म लेने वालों का बहुत रश है, लेकिन पुलिस ऑफिस से फॉर्म नहीं मिल रहे और पुलिस ऑफिसर्स की तरफ से पुलिस में आई जॉब को जाली करार दिया गया है। पुलिस की तरफ से कैंडिडेट्स को मुंतशिर करने के लिए अजाफी नफरी तलब कर ली गई और ऐसे ही बहुत कुछ बोला जा रहा था। सिटी 42 न्यूज़ पर चलाई गई कि फॉर्म तकसीम करते वक्त कोरोना SOPs का ख्याल रखा जाए। कल सुबह 9 से 5 बजे तक फॉर्म तकसीम किए जाएंगे, लेकिन 12 अक्टूबर को गुजरांवाला जंग में पुलिस भर्ती फॉर्म तकसीम किए गए। आज 13 अक्टूबर 2020 को ज़्यादातर पुलिस लाइन भर्ती फॉर्म देना शुरू कर देंगे। कसूर, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, डेरा गाजी खां, रहीम यार हां, जंग, लैया, मुजफ्फरगढ़ और उम्मीद कही जा रही है कि पंजाब के बकिया इलाकों में भी फॉर्म मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन कुछ जगहों पर ऐसा भी कहा जा रहा है कि भर्ती फॉर्म 15 अक्टूबर से मिलना शुरू होंगे। ये वही नोटिफिकेशन था जिसकी वजह से भर्ती फॉर्म पुलिस लाइन से नहीं मिल रहे थे, क्योंकि IG पंजाब की तरफ से भर्ती फॉर्म देने का ऑर्डर नहीं था। लेकिन जब ये नोटिफिकेशन जारी किया गया तो पुलिस लाइन्स ने उसी टाइम से लोगों को फॉर्म देना शुरू कर दिए थे। ये नोटिफिकेशन 12 अक्टूबर का ही है, लेकिन एक दिन लेट होने की वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बेस्ट ऑफ लक। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सकें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।